शैलेंद्र नाथ पांडे कल पूछ रहे थे, स्वरूप लक्षण सच्चिदानंद बताने में सत चित्त तथा आनंद तीन लक्षण क्यों बताए गए और तीन ही क्यों? क्या सत चित्त एवं आनंद तीनों शब्द पर्यायवाची है अथवा भिन्नार्थक? कृपया स्पष्ट करें। एक बात तो ध्यान में रखने की है, वेदांतों में जिस तत्व का प्रतिपादन है वो अपना स्वरूप ही है, अपने ही नाम वेदांत में आत्मा है, सत्य है, तत्व है, ब्रह्म है, अपने ये सब अनेक नाम हैं, अनेक वस्तु नहीं है। अब अपने को समझने के लिए दूसरों को तो जानते हैं, अपने आप को नहीं जानते हैं। क्या अद्भुत लीला है कि बिंदु में सिंधु समान, यह सुन अचरज मत करो, हेरन हार हैरान, रहमन आप ही आप। हेरन हार हैरान, रहमन आसमी आप। एक जिज्ञासु को तत्व समझाने के लिए जो तत्वज्ञ महापुरुष हैं उनको कुछ शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। यदि कोई कहे कि उसके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है तो फिर जिज्ञासा छोड़ दो, परंतु मन में जिज्ञासा है कि हम सत्य को जाने, इसलिए उसको समझाने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। तो अब देखो, एक तरह की चीज ऐसी हमारे सामने आती है जो बदलती रहती है। घड़ा आया बदल गया, कपड़ा आया बदल गया, मकान आया बदल गया, जागृत स्वप्न सुषुप्ति आए और बदल गए, परंतु इनके सबके बदलने पर भी एक वस्तु ऐसी होती है जो बदलती नहीं है। अनित्य नृत्य कर रहा है और एक ऐसी वस्तु है जो अचल रहकर उस नृत्य को देख रही है। तो जिस वस्तु में बदलना नहीं है वो काल की गति से विलक्षण है, और जिसमें जाना आना नहीं है वो देश की गति से विलक्षण है, और जिसमें मैं तू नहीं है वो द्रव्य का भेद उसमें नहीं है। तो मैं तुम के भेद से रहित द्रव्य रहित, आने जाने से रहित देश रहित, और बदलने से रहित काल रहित। जो असत वस्तु उसको कहेंगे जो एक जगह हो एक जगह ना हो, एक जगह उसका अत्यंताभाव है और एक समय में हो और दूसरे समय में ना हो, और एक रूप में हो और दूसरे रूप में ना हो। तो अपने निश्चित स्वरूप को जो वस्तु नहीं रखती है उसको असत कहते हैं। जेन रूपेण जन निश्चितन तन्न व्यभिचरति। अब सत क्या है कि जो असत से विलक्षण है। असत के प्रतियोगी का नाम सत नहीं है। घटाभाव का प्रतियोगी तो घट है, तो घट का अभाव होता है तब उसका घट प्रतियोगी होता है। सत जिसका प्रतियोगी है उसका नाम असत नहीं है। तो आओ, जो कुछ बदलता हुआ जाता आता हुआ है और मैं और तू के भेद से युक्त मालूम पड़ता है, उससे विलक्षण कौन है?
अब उसको रख दो बीच में तो वो उससे परे होके विलक्षण हो रहा है कि उसका प्रकाशक होके विलक्षण हो रहा है। प्रपंच बीच में है और प्रपंच के परे कोई वस्तु है जो उसका कारण सत है, जो उसका प्रकाशक चित है, जो उसमें प्रियता देने वाला कोई आनंद है, उस पार है तो कल्पित है, परोक्ष है, अन्य है, और इस पार है तो अपना आत्मा है। अब आप बोले सत को, तो उसको सत इसलिए कहते हैं कि अविनाशी है, और चित इसलिए कहते हैं कि स्वयं प्रकाश है। अब यदि हम उसको केवल सत कहें, जैसा कि प्रश्नकर्ता ने प्रश्न उठाया अस्ति, तो जड़ के लिए भी हम सत शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, अस्ति घट अस्ति पट अस्ति घट स्तन पट स्तन, जड़ वस्तु के लिए भी सत शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। तो क्या जो जगत का मूल तत्व है वो जड़ है? बोले नहीं, जड़ नहीं है, चित सत्यम ज्ञानम ज्ञान स्वरूप है। अच्छा ठीक है, ज्ञान स्वरूप है तो उसको ज्ञानम कह लो, सतमत कहो, जैसा कि प्रश्नकर्ता ने कहा जानकार है। तो यदि केवल चित कहेंगे तो बौद्ध लोग चित्त को तो मानते हैं, चेतन को मानते हैं और उसको क्षणिक मानते हैं। तो बौद्धों का जो चित्त है, विज्ञान है, वो है तो चेतन है तो ज्ञान, लेकिन वो क्षणिक है। उनके तो जैसे घटक ज्ञानम जातम घटक ज्ञानम नष्टम, तो जब उसको सत कह देते हैं तो उसका अर्थ होता है कि ज्ञान तो है परंतु अविनाशी ज्ञान है, क्षणिक नहीं है। और जब उसको सत कह देते हैं तो वो ज्ञान तो है परंतु क्षणिक नहीं है। सत माने जिससे असतपने का कभी अनुभव न हो, तो अविनाशी है परंतु ज्ञान है। जब दोनों बात कहेंगे तो चेतन में से तो क्षणिकता चली जाएगी और सत्ता में से जड़ता चली जाएगी। तो जड़ता रहित स्वयं प्रकाश चित स्वरूप आत्मा है। तो जड़ता की जागृति के लिए उसको चित कहते हैं और विनाश की व्यावृत्ति के लिए, असत्ता की व्यावृत्ति के लिए उसको सत कहते हैं। अब रही बात अनंत की, तो देखो कोई भी वस्तु जो हमसे अलग होगी वो अनंत नहीं हो सकती। आप अपने को देह मत रखिए, आप किस कोष में बैठे हैं, कोष माने कौन सा लिहाफ फोड़ के बैठे हैं, कौन सा पर्दा, घूंघट किसका। देखो आप अंगूठे का पर्दा ओढ़ के बैठे हैं, तो अंगूठे में आप हैं, है ना अंगूठे में। अच्छा, तब आपका नाम अंगूठा तो है अन्नमय, और इसमें जो चेतन बैठा ना, उस अन्नमय के संसर्ग से उसका नाम हो गया अन्न, वो तो ब्रह्म ही है। अच्छा देखो, अंगूठा हिलता है, अब हिलने में बैठ जाओ तो प्राण अंगूठे को हिलाता है, तो प्राणमय, प्राणमय तो कोष है, कोष माने लिहाफ है, घोड़ा है, ओढ़ना है, खोल है, रजाई है, लकड़ी का बना हुआ है, तो वो अन्नमय हुआ, और हिलने का काम कर रहा है तो वो प्राणमय बना हुआ है। अब अपने मय को आप उठाओ, न तो आप अंगूठा हो न अंगूठे का हिलना हो, और हिलाने की जो इच्छा है उसका नाम है मन। जब अंगूठा हिलाने की इच्छा हुई, आप इच्छा के साथ मिल गए,
मनोमय कोष के साथ एक हो गए। अच्छा, मैं अंगूठे को हिला रहा हूं, विज्ञानमय कोष हो गया। कर्ता, कर्ता जो है विज्ञानमय कोष। अब अंगूठा हिलाने का जो मजा है, प्रिय मोद प्रमोद, उसको पकड़ लिया तो ये आनंद स्वरूप आत्मा उपाधियों को स्वीकार कर करके आनंदमय विज्ञानमय मनोमय प्राणमय अन्नमय ये बनता रहता है, और उपाधियों को छोड़ दो तो ये आनंद स्वरूप ही है। अब ये जो देश काल वस्तु की उपाधि है, ये कोष में बैठने पर तो रहेगी और कोष में से निकल जाओ तो बिल्कुल नहीं रहेगी। जब तक कोष में बैठा रहे, रेशम के कीड़े, रेशम का कीड़ा जब तक अपने बनाए हुए रेशम के घेरे में बैठा रहेगा, तब तक गर्म पानी में डाल दो मर जाएगा, और जब उस घेरे से निकाल लो उसको तो नहीं मरेगा। तो ये जो अपना आत्मा है, ये देश में माने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे बाहर भीतर, ये जो देश में कल्पित विभाग है, एक दिक् तत्व है, वो अखंड ब्रह्म से एक है, ब्रह्म में आरोपित है, और उसमें दिग् विभाग जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे बाहर भीतर है, ये कल्पित है। आप देखो ये जो लाउड स्पीकर रखा है, ये कहाँ है? पूरब है कि पश्चिम है? हमसे उत्तर है तो भरत जी से दक्षिण है, अभी दक्षिण है कि उत्तर है? अब ये प्रबुद्धानंद से पूरब है तो गोविंदानंद से पश्चिम है। तो असल में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण शुरू कहाँ से होते हैं? भानात्मक मैं से ही इनका भान होता है। इसलिए देश के भान का जो अधिष्ठान है, काल के भान का जो अधिष्ठान है, द्रव्य के भान का जो अधिष्ठान है, वो अधिष्ठान अपना आत्मा है, और आत्मा स्वयं प्रकाश होता है। स्वयं प्रकाश का अर्थ है कि ज्ञान की उत्पत्ति किसी भी प्रकार देखी नहीं जा सकती। ज्ञान की उत्पत्ति ज्ञान से होगी कि अज्ञान से होगी, कि ज्ञानाज्ञान से होगी कि ज्ञानाज्ञान भेद से होगी? ज्ञान की उत्पत्ति किससे होगी? ज्ञान की उत्पत्ति के प्रकाश, उत्पत्ति यदि होगी तो उसका प्रकाशक ज्ञान पहले से ही मौजूद रहेगा, इसलिए ज्ञान स्वयं प्रकाश है। तब इसमें पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण लंबाई चौड़ाई नहीं है, लंबाई चौड़ाई पूर्व पश्चिम इस ज्ञान से ही मालूम पड़ता है। इसमें पहले और पीछे एक दो तीन चार का क्रम नहीं है, क्योंकि ज्ञान से ही क्रम प्रकाशित होता है, ज्ञान का प्रकाशक है क्रम। ये घट है, ये पट है, ये मठ है, ये द्रव्य का प्रकाशक है ज्ञान। इसलिए दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है, ऐसा कोई काल नहीं है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो ज्ञान स्वरूप आत्मा को कट पिट कर सके, छिन्न भिन्न कर सके। तो वो अनंत है, सत्यम ज्ञानम अनंतम। अनंत माने देश का प्रकाशक देश से अपरिच्छिन्न, काल का प्रकाशक काल से अपरिच्छिन्न, द्रव्य का प्रकाशक द्रव्य से अपरिच्छिन्न, और द्रव्य के अत्यंत भाव का अधिकरण होने के कारण अखंड अद्वितीय। तो उस पर ब्रह्म परमात्मा को समझाने के लिए सत्यम ज्ञानम अनंतम इन शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म,
उसकी जिज्ञासा करो, उसको कहते हैं ब्रह्म। ब्रह्म माने निरतिशय बृहत, जिससे बड़ा और कुछ न हो। परिच्छेद सामान्य के अत्यंत अभाव का अधिकरण, परिच्छेद सामान्य के अत्यंत अभाव का प्रकाशक, अयम आत्मा ब्रह्म। अपने आत्मा का ही नाम ब्रह्म है। किसी दूसरे काल में रहने वाले, काल की गोद में रहने वाले, देश की गोद में रहने वाले, वस्तु की गोद में रहने वाले का नाम ब्रह्म नहीं है। इस अद्वितीय तत्व का नाम ब्रह्म है, जिसमें सब भासता है और सब कुछ नहीं है। उस तत्व का नाम ब्रह्म है, इसलिए उसको विशेषणों के द्वारा नहीं, लक्षणों के द्वारा जिज्ञासु को समझाया जाता है। सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्त्वमसि। देखो, यदि अपने आत्मा से अलग ब्रह्म हो तो उसकी क्या दुर्गति होगी, वो देखो। दुर्गति होगी बोला, क्यों? कि अपने आत्मा से अलग होने पर अन्य होगा, उसका भान मेरे अधीन होगा, मेरे बिना उसका भान ही नहीं होगा, पराधीन होगा, वो कल्पित होगा, परोक्ष होगा, दृश्य होगा, जड़ होगा। हमसे अलग होकर के ब्रह्म की तो बिल्कुल दुर्गति हो जाएगी, और यदि ब्रह्म से अलग हम होंगे तो बिल्कुल परिष्कृत फिट है। ब्रह्म से अलग होकर हम कट फिट जाएंगे, और हमसे अलग होकर ब्रह्म जड़ परोक्ष कल्पित हो जाएगा। इसलिए जब तक हम उपनिषद के इस सिद्धांत को निरावरण नहीं कर देते हैं, अविद्या के आवरण का भंग करके जब तक इस सिद्धांत का साक्षात्कार नहीं कर लेते हैं कि आत्मा ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही आत्मा है, तब तक अज्ञान से छुट्टी नहीं मिलती है, और यही औपनिषद सिद्धांत की विशेषता है। का एक प्रश्न और है, आपकी पुस्तक गीता दर्शन में अनुभव स्वरूप ज्ञान तथा अनुभव जन्य ज्ञान की चर्चा है, कृपया थोड़ा विस्तार से दोनों का अंतर स्पष्ट करें। इस प्रसंग में श्रुति एवं स्मृति का भेद तथा अपौरुषेय का अर्थ भी समझाने का अनुग्रह करें, श्री शैलेन्द्र नाथ पांडे। देखो, अपौरुषेय शब्द का अर्थ है पुरुष, पुरुष माने जीव अथवा ईश्वर, दोनों को ले लो पुरुष। बनाई हुई चीज को बोलेंगे अपौरुषेय, जीव ने बनाई या ईश्वर ने बनाई, जीव और ईश्वर की बनाई हुई चीज का नाम होगा पौरुषेय। अब विचार करो कि ज्ञान को क्या किसी ने बनाया? ज्ञान को बनाया तो बनाने से पहले क्या ज्ञान नहीं था? और ज्ञान को बनाया तो ज्ञान से बनाया कि अज्ञान से बनाया? यदि ज्ञान से बनाया तब तो ज्ञान पहले से था, और अज्ञान से ज्ञान बनाया नहीं जा सकता। इसलिए ज्ञान का स्वरूप अपौरुषेय, और अपौरुषेय कहने का अर्थ है स्वयं प्रकाश, और स्वयं प्रकाश कहने का अर्थ है अपने आत्मा का स्वरूप ही असल में वेद है। ये इसका अर्थ है, अपने आत्मा का ही नाम वेद है। वेद का जो असली स्वरूप है वो आत्मा है। यदि आत्मा से भिन्न वेद होवे तो अनित्य होगा, तो जड़ होगा, तो उत्पन्न होगा, तो नाशवान होगा। इसलिए वेद को अपौरुषेय कहने का अभिप्राय है कि वो स्वयं प्रकाश आत्मा का स्वरूप है, आत्मा का ही नाम वेद है। अब नारायण, एक तो होता है ज्ञान जन्य ज्ञान, वो होता है लौकिक, बड़ा अद्भुत। देखो, हमारे सार्वजनिकों ने विचार किया, एक बार घट की भ्रमा हुई, माने नेत्र द्वारा हमने घट को देखा,
हमारा जो अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य है वो नेत्र वृत्ति में आरूढ़ होकर के वृत्ति प्रणालिका के द्वारा जा करके विषयावच्छिन्न घटावच्छिन्न चैतन्य से एक हो गया, अब घट का ज्ञान हो गया। ठीक है, अब ये जो घट का ज्ञान हुआ अब बारंबार हो रहा है, ये घड़ा है, ये घड़ा है, ये घड़ा है, ये घड़ा, अयम घट, अयम घट, अयम घट, धारावाहिक ज्ञान हो रहा है। अब प्रश्न ये है कि घड़े की जो भ्रमा वो केवल एक बार हुई ही बार बार होती है, तो विवरणकार कहते हैं कि घट की भ्रमा एक ही बार हुई और जावत घट की प्रतीति होगी तब तक वो प्रमा जो है वो बनी रहेगी। एक ही प्रमा हुई घट की और जब तक अयन घट, अयन घट, अयन घट की स्फूर्ति होगी तब तक वो प्रमा रूप ज्ञान जो है वो बना रहेगा। तो नारायण अब देखो आप ज्ञान के स्वरूप पर विचार करो, ज्ञान है आप और आप हैं अनुभव, अनुमानु जो सबसे पीछे हो सो अनुभव, अनु दृश्य मात्र के पीछे जो स्वर्गात्याकार वृत्ति होती है परोक्ष विषय के संबंध में उसके भी पीछे रहकर आप ही प्रकाशित करते हैं और जो घटात्याकार वृत्ति होती है उसके भी पीछे रहकर आप ही प्रकाशित करते हैं। तो अनुभव माने निरुत्तर वृत्ति, उत्तर ज्ञान से अबाध्य वृत्ति। इसका अर्थ हुआ कि जिस अनुभव का कभी बाध न हो, जिस जो अनुभव कभी मिथ्या न हो, मिथ्या सिद्ध न हो, वो अनुभव है। तो अनुभव माने सब सत्ताओं के पीछे रहने वाली सत्ता, वो सत्ता या भाव बना, वो सत्ता जिस सत्ता के पीछे दूसरी कोई सत्ता नहीं है माने जिसका कोई दूसरा अधिष्ठान नहीं है उसको अनुभव कहेंगे। परंतु अनु उपसर्ग जो लग गया सत्तार्थक धातु में जो अनु उपसर्ग लग गया उसने उस सत्ता को ज्ञान स्वरूप बना दिया, तो अनुभव माने सत्य ज्ञानम हो गया। अनुभव माने ज्ञान स्वरूप सत्य और सत्य स्वरूप ज्ञान, इसलिए अनुभव माने आत्मा, अनुभव माने अपने आत्मा का ही नाम अनुभव है। और ये जो अनुभव जन्य ज्ञान होता है उसको स्मृति बोलते हैं, संस्कार जन्य ज्ञान का नाम स्मृति है। पहले किसी चीज को देखा था अब उसकी याद आ गई, स्मृति प्रमा नहीं होती है, स्मृति प्रमाण नहीं होती है। स्मृति क्या होती है, गृहीत ग्राहिका होती है, पहले जिसका ग्रहण हो चुका है वही याद आता है तो उसका नाम स्मृति होता है। तो अनुभव जन्य जो ज्ञान है उसको स्मृति कहेंगे, और जो प्रमाण के द्वारा अज्ञान की जो वृत्ति हुई है ना, अज्ञान निवृत्ति होने पर जो स्वतः सिद्ध ज्ञान है उसको अनुभव कहेंगे, उसको आत्मा कहेंगे, उसको वेद कहेंगे, उसको स्वयं प्रकाश कहेंगे, हैं? स्वभिन्न संबित की उसको अपेक्षा नहीं है, उसका ज्ञान से ज्ञान नहीं होता, वो स्वयं ज्ञान है। इसलिए नारायण स्वभिन्न संबित निरपेक्ष संबित जो है उसका नाम अनुभव होता है। ओ सर।